हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट 2021 के लिए एक बड़ी खुशखबरी लाई है। फाइनल प्रोविजनल लिस्ट जो है वो जारी हो चुकी है राउंड वन की। ठीक है, तो लिस्ट में कितने स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्ट हुए हैं आज, वो मैं पूरा आपको बताने वाली हूँ। कितने नॉन रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, कितने रजिस्टर्ड हैं, कितने क्वालिफाई है, कितनों का रिजल्ट आया है। ठीक है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका है। तो सबसे पहले गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट यूजी और नीट पीजी से रिलेटेड की हर टाइप की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चाहे वो काउंसलिंग से रिलेटेड हो, कट ऑफ से रिलेटेड हो, या फिर ऑफिशियल नोटिस से रिलेटेड हो, चाहे ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग हो, चाहे स्टेट कोटा काउंसलिंग, हर टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम इस चैनल के थ्रू मिलती रहेगी। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखिए गाइज, हम चलते हैं नीट 2021 के लिए फाइनल प्रोविजनल लिस्ट जो है राउंड वन की जारी कर दी गई है। तो आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। तो देखिए, तो गैस ये राउंड वन का जो अलॉटमेंट लिस्ट है वो जारी हो चुका है। ठीक है, ये एब्रीविएशन दिए गए हैं स्टार्टिंग में, कि जैसे बीसी आ गया तो आपको क्या समझना है, अदर बैकवर्ड क्लास, पीडब्ल्यूडी आ गया तो पर्सन विद डिसेबिलिटी, इस तरीके से यहाँ पर एब्रीविएशन दिया गया है। उसके बाद यहाँ से आपका जो रिजल्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो राउंड वन का रिजल्ट है गैस प्रोविजनली राउंड नीट पीजी काउंसलिंग सीट अलॉटमेंट 2021 राउंड वन। ठीक है, तो राउंड वन में सीट अलॉटमेंट जो स्टूडेंट्स का हुआ है, यहाँ पर गाइज रैंक दिया गया है स्टूडेंट्स का। यहाँ रोल नंबर, सीरियल नंबर से आपको ये पता चल जाएगा कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका हुआ है। ठीक है, राउंड वन के अंदर यहाँ अलॉटेड कोटा दिया गया है, किस कोटा से उनको हुआ है, कौन सा इंस्टीट्यूट उनको मिला है, कौन सा कोर्स में उनने एडमिशन लिया है। ठीक है, जो अलॉट हुआ है उनको, ठीक है, और उन कैंडिडेट्स की कैटेगरी क्या है और रिमार्क क्या है। तो गाइज ये आप देख सकते हैं, नॉट रिपोर्टेड स्टूडेंट है, ऑलमोस्ट यहाँ पर नॉट रिपोर्टेड स्टूडेंट है, मतलब राउंड वन में इन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो चुका है। आफ्टर दैट ये नॉट रिपोर्टेड स्टूडेंट की लिस्ट जारी की गई है। ठीक है, तो ये सब ही नॉट रिपोर्टेड है, आप इस लिस्ट के अंदर देख सकते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर आपने अप्लाई किया था तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप जो इस लिस्ट में है या नहीं है, और आपने रिपोर्ट किया या नहीं किया। तो ये सभी नॉट रिपोर्टेड है, और ये टोटल 906 पेजेस है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा आगे चल लेते हैं। टोटल 906 पेजेस है, तो हमें ये पता चले कि आगे जो स्टूडेंट लिस्ट दी गई है उसके अंदर कुछ रिपोर्टेड है या सब नॉट रिपोर्टेड है। तो गाइस ये सब नॉट रिपोर्टेड स्टूडेंट है। ठीक है, नॉट रिपोर्टेड इसलिए है क्योंकि जो टाइम दिया गया है, अभी टाइम बचा हुआ है कि ये स्टूडेंट्स, ये फाइनल स्टूडेंट्स की लिस्ट है, तो अभी टाइम बचा हुआ है, इनको रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो टाइम से पहले गाइज ये स्टूडेंट्स रिपोर्ट कर ले, उसके बाद एक और लिस्ट जारी होगी फाइनल रिपोर्ट और नॉट रिपोर्टेड स्टूडेंट्स की। तो टोटल जो है 18,218 स्टूडेंट है जो राउंड वन के अंदर है। ठीक है, ये प्रोविजनल काउंसलिंग रिजल्ट है गाइज पीजी का। तो फाइनल जब रिजल्ट आएगा तो उसके अंदर प्रोविजनल हट जाएगा, फिर वो फाइनल रिजल्ट रहेगा। नॉट रिपोर्टेड स्टूडेंट्स को हटा ही दिया जाएगा, ओनली रिपोर्टेड स्टूडेंट्स आएंगे, और जो नॉट रिपोर्ट वाले स्टूडेंट रहेंगे उन सीट को वैकेंट मानकर जो राउंड टू की काउंसलिंग होगी उसके अंदर वो सीट्स ऐड कर दी जाएगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो 18,218 से जो आगे के स्टूडेंट रहेंगे उनका सिलेक्शन होगा राउंड टू के अंदर। ठीक है, तो ये थी आपकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। तो जल्द ही कोई नेक्स्ट न्यू अपडेट आती है, आपको इस चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो गाइस सबसे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर टाइप की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो गाइस जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।